दोस्तों आप सभी के फेवरेट आर्मी टीआईटी को अब जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और उनका भी चैनल पर 40 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, उसको भी डिलीट करने तक बात आ सकती है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप लोग आर्मी टीआईटी के फैन हो तो आप लोगों को पता हो कि आमिर ने अभी एक फिलहाल में एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो थार से निकलते हुए सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी हाईवे के ऊपर, जिसमें एक ट्विटर के यूजर ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए बोला है कि ये सब नहीं करना चाहिए और भी बहुत कुछ था जैसे कि आप लोग इसमें पढ़ सकते हो। और इसको रीट्वीट करते हुए मुरादाबाद की पुलिस ने भी उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात को कहा है। अब ऐसे में आमिर को गिरफ्तार करने की बात पूरे में फैल चुकी है और आमिर अभी प्रिंस नूरुल्लाह जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में इनकी एक वीडियो आई थी विनाश राव, उसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आई थी। ये आमिर के चैनल पर पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी वीडियो कभी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चली ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो अगर आप लोग टॉप रेल टीम के असली फैन हो तो यार उनके लिए दुआ करो कि आमिर को जेल के अंदर ना जाना पड़े। अगर आप लोग राउंड 12 को जानते हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि राउंड 12 के वसीम को भी सिर्फ एक छोटी सी वीडियो की वजह से 16 दिन तक जेल के अंदर रहना पड़ा था। अब आमिर को भी कहीं ऐसे ही अपनी एक वीडियो की वजह से जेल के अंदर ना जाना पड़े। अगर आप लोग भी चाहते हो तो यार कमेंट में आमिर का सपोर्ट करो यार। तो देखते हैं कितने लोग आमिर को सपोर्ट करते हैं और कितने लोग नहीं करेंगे। तो उनके जेल में जाना यार तय है या फिर नहीं, ये तो अब पुलिस पकड़ेगी तभी पता चलेगा। लेकिन फिर हम यही कह सकते हैं कि यार आमिर तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे भी स्टैंड नहीं करना चाहिए, आप लोग भी ऐसे स्टैंड करने से बचिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, आगे आपको बताएंगे कि आमिर को गिरफ्तार किया गया या फिर नहीं।